आज मेरी जेई में जो रैंक आई है उसका मैं पूरा क्रेडिट अपने टीचर्स को देना चाहूँगा। उन्होंने हमेशा मेरे सारे डाउट्स हैंड टू हैंड क्लियर करे। जब भी उनके पास कुछ भी एकेडमिक या नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम निकल रहा था वो हमेशा उसका सोल्यूशन मेरे को प्रोवाइड करते थे। तो एक बार मैं फिर से उनको थैंक्स करना चाहूँगा उनके इस अनवेवरिंग सपोर्ट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज ऋषि मित्तल एंड आई जॉइन आकाश बायजू सेंटर इन ईयर 2021। करेंटली आई एम परसुइंग इन 3 ईयर इंटीग्रेट क्लासरूम प्रोग्राम फॉर जेई मेंस एंड एडवांस 2024। मेरे पापा के फ्रेंड ने उनको आकाश के बारे में सजेस्ट किया, फिर हमने उसके बारे में और रिसर्च करा, हमने जाना कि आकाश का इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी फैसिलिटीज़ कैसी है, और फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया कि मेरे जेई प्रिपरेशन के लिए आकाश बेस्ट रहेगा। सो आई डिसाइडेड टू जॉइन द आकाश इंस्टीट्यूट। एंथ एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है जिसको आकाश कंडक्ट करवाती है, और इसको देने के काफ़ी बेनिफिट्स है, जैसे कि एग्ज़ाम देने के बाद आपको आपके स्कोर्स के ऊपर आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, और आपको एक फुल AI जनरेटेड रिजल्ट मिलता है जिसके अकॉर्डिंग आप आकाशियंस एंड नॉन आकाशियंस में आप अपनी रैंक कंपेयर कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि आप नेशनल लेवल पर कहाँ स्टैंड करते हैं। आज मेरी JEE में जो रैंक आई है उसका मैं पूरा क्रेडिट अपने टीचर्स को देना चाहूँगा। उन्होंने हमेशा मेरे सारे डाउट्स हैंड टू हैंड क्लियर करे। जब भी उनके पास कुछ भी एकेडमिक या नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम निकल रहा था वो हमेशा उसका सोल्यूशन मेरे को प्रोवाइड करते थे। वो हमेशा मेरे पूरे जर्नी में बहुत सपोर्टिव रहे। तो एक बार मैं फिर से उनको थैंक्स करना चाहूँगा उनके इस अनवेवरिंग सपोर्ट के लिए। मेरे 3 साल की JEE प्रिपरेशन में मैंने काफ़ी चैलेंजेस फेस किए। मेरी स्पीड बहुत कम थी, मैं टेस्ट पेपर्स में सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा था, और इन सब चैलेंजेस से ओवरकम करने के लिए मैंने अपने टीचर्स का सजेशन लिया। मैंने टाइम बाउंडेड टेस्ट दिए, उन्होंने जैसा कहा मैंने उनकी सलाह मानी। मैं आप सबको भी यही कहना चाहूँगा कि अपने टीचर्स की बात मानिए, वो आपको हमेशा सही सजेस्ट करेंगे, और हमेशा टाइम बाउंडेड टेस्ट दीजिए, वो आपके स्कोर्स बढ़ाने में मदद करेंगे। मेरी JEE मेंस की लास्ट में प्रिपरेशन में आकाश की आर्काइव टेस्ट सीरीज और फुल टेस्ट सीरीज ने बहुत सपोर्ट किया। मेरा जो भी रिवीजन प्लान होता मैं उसके अकॉर्डिंग करता, उसके अकॉर्डिंग अपने टेस्ट देता, और एंड मंथ पे मैंने कुछ ज़्यादा नया पढ़ने की कोशिश नहीं करी। जो हमारे टीचर्स ने अभी तक पढ़ाया था बस उसी को पूरा कवर अप और रिवाइज करने की कोशिश की। अपनी JEE मेन की प्रिपरेशन के दौरान मैंने ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं किया। मैं सिंपली 10 से 15 मिनट डेली व्हाट्सअप यूज़ करता था अपने टीचर से कम्युनिकेट करने के लिए, अपने दोस्तों से बात करने के लिए। और मैं बाकी एक्सपीरियंस को भी यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपके पास कंट्रोल है तो 10-15 मिनट आप डेली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बाकी इसका एक सिंपल सोल्यूशन नहीं है कि आप अपना आपका अकाउंट डिलीट कर दीजिए और सबसे एकदम दूर रहिए। मेरा मानना तो यह है कि डिसिप्लिन आपके JEE मेंस की रैंक हो या आपका डेली लाइफ हो, उन दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। शुरुआत में मेरे को भी अपना डिसिप्लिन मेंटेन करने में, एक प्रॉपर शेड्यूल मेंटेन करने में बहुत दिक्कत हुई थी, लेकिन मेरे टीचर्स ने मेरा सपोर्ट किया, मेरा प्रॉपर टाइम टेबल बनाया जो मैं प्रॉपरली फॉलो कर पाया, जिससे मैं डिसिप्लिन हो पाया, और इसका फ़र्क मेरी JEE मेंस की रैंक पर भी बहुत पड़ा। फ्रेंड्स के साथ आप कुछ भी बोल सकते हैं, उनके साथ कुछ भी शेयर कर सकते हैं, आप कभी भी जज नहीं करते। मेरे को कभी भी कुछ डाउट्स आते हैं जो मैं टीचर के साथ डिस्कस नहीं कर सकता, या अपने पेरेंट्स से कुछ बोल नहीं सकता तो मैं उनके साथ डिस्कस करता। वो मेरे थोड़े मज़े भी लेते हैं, लेकिन हम सब साथ में हंसते बातें करते हैं, और उनको काफ़ी रिलैक्स रहने में मदद करते। आपकी JEE प्रिपरेशन के दौरान सेल्फ स्टडी और कंबाइंड स्टडी दोनों का मिक्सअप होना जरूरी है। दोनों की अपने अलग अलग प्रोज एंड कॉन्स है। जैसे कि सेल्फ स्टडी में आपको ज़्यादा एफिशिएंटली पढ़ पाते हैं, लेकिन ग्रुप स्टडी में आपका टाइम थोड़ा वेस्ट होता है। लेकिन जब आप ग्रुप स्टडी में आप डिस्कस करते हैं अपने दोस्तों के साथ तो आपको नए उसी क्वेश्चन के आपको नए अप्रोच नए तरीके सीखने को मिलते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। फॉर मी आई वुड लाइक टू से कि मैं पर्टिकुलरली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा ज़्यादा वीक था, और मेरे उसमें मार्क्स कम आए थे बहुत से यूटीज़ में। तो मैंने लास्ट मंथ पे उसके लिए ज़्यादा फोकस करा, मेरे टीचर्स ने मेरे को उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रोवाइड करे, और जो मेरे को नोट्स टीचर ने दिए थे मैंने उन्हीं को रिवाइज करने की कोशिश करी, और ज़्यादा उसमें एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश नहीं करी। ऐसे मैंने CBSE बोर्ड एग्जाम्स के लिए कुछ खास प्रिपरेशन करी नहीं थी। मेरा मेन फोकस JEE पर ही था, और दोनों का सिलेबस लगभग सेम ही होता है, तो मैंने ज़्यादा उस पर फोकस करा नहीं। बस कुछ दिनों पहले मैंने बोर्ड्स के थोड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का गो थ्रू लिया, और दैट वाज इनफ फॉर मी। आपके JEE प्रिपरेशन के दौरान आपकी प्रॉपर हेल्थ मेंटेन होना बहुत जरूरी है। आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप एग्जाम के कुछ दिनों पहले आप बीमार हो जाए, या आप अपने प्रिपरेशन के दौरान बीमार हो जाए, कि अगर आप एक बार बीमार पड़ते हैं तो बेसिकली आपका 1 से 2 हफ्ता आपके प्रिपरेशन में चले जाता है, और उसे रिकवर करना बहुत मुश्किल रहता है। तो मैं सभी एस्पिरेंट्स को बोलना चाहूँगा कि अपनी हेल्थ पे पूरा फोकस रखिए, और जितना हो सके जंक फूड और भागा खाना अवॉइड करिए। आई वुड लाइक टू से आई वॉज नाइदर अ मॉर्निंग पर्सन नॉर आई वुड लाइक टू प्रीफर स्टडी लेट इन द नाइट्स। आई वुड स्लीप अराउंड 11 PM इन द नाइट एंड वेक अराउंड 7 AM, एंड आई थिंक 7 to 8 hours ऑफ स्लीप इज सफिशियंट इनफ, एंड आई वुड लाइक टू रिकमेंड ऑल द एक्सपीरियंस द सेम। नहीं, मैं ये तो नहीं कहना चाहूँगा मेरी प्रिपरेशन कम्प्लीटली स्ट्रेस फ्री थी, और थोड़ा बहुत स्ट्रेस ठीक ही है, ऐसा कुछ दिक्कत है नहीं। और जब भी मेरे को स्ट्रेस होता था तो अपने पेरेंट्स के साथ बात करता था, और मेरे को हमेशा एकदम रिलैक्स कर देते थे, उनसे बात करना मेरे को बहुत हेल्प करता था, और दोस्तों के साथ भी रहने से बहुत स्ट्रेस फ्री हो जाता था। पर्सनली अपने JEE में से प्रिपरेशन के दौरान 8 से 10 घंटे रोज पढ़ता था, लेकिन कभी कभी वो एक्सटेंड होकर 12 से 14 घंटे भी हो सकता था। बट आई वुड लाइक टू रिकमेंड ऑल द अदर एक्सपीरियंस दैट 8 to 10 hours ऑफ स्टडी इज इनफ टू डू वेल इन JEE मेंस। JEE मेंस की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले मेरा मेन फोकस रहता था कि आकाश के जो मॉड्यूल्स है उनकी जो टारगेट अचीवर सक्सेस मैग्नेट्स स्कल क्रशर उन सबको कंप्लीट करूँ। अगर वो हो जाए तो उसके बाद किसी और अदर ऑप्शन के बारे में सोचूँ, और JEE मेंस के लिए आकाश की मॉड्यूल्स इनफ है, लेकिन आपको और ज़्यादा PYQ करने की जरूरत है। फाइनल टेस्ट सीरीज ने मेरे एंड मंथ्स की प्रिपरेशन में मेरे को काफ़ी हेल्प करी थी। वो आपके रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं, और एंड मंथ्स पे आपको आप
किस लेवल पर है, आपको अब कितने इंप्रूवमेंट की जरूरत है, वो आपको उसके बारे में बता सकता है। तो आई वुड लाइक टू रिकमेंड ऑल द स्टूडेंट्स की गिव द फाइनल टेस्ट सीरीज सीरियसली। मेरी 3 साल की जेई प्रिपरेशन का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा आकाश में। आकाश के टीचर्स ने काफ़ी सपोर्ट किया मेरा, उनके मॉड्यूल्स बहुत अच्छे थे और उनके क्वेश्चंस भी थोड़े यूनिक थे, और मैं उनके टेस्ट सीरीज बहुत रिग्रस थे और आपको हमेशा मोटिवेटेड रहते थे, आपको टेस्ट देना है और आपको अच्छा परफॉर्म करना है। और जब से मैंने आकाश ज्वाइन किया काफ़ी चेंजेस मेरे को खुद में भी दिखे हैं, जैसे कि मैं प्रॉपरली डिसिप्लिन हो पाया हूँ और अपने गोल्स पे मैं अपने प्रॉपर फोकस कर पाता हूँ। मेरी फाइनल एडवाइस सभी एस्पिरेंट्स को यही रहेगी कि हमेशा अपने टीचर्स की बात माने, जो भी वो कहते हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। आपसे ज़्यादा आपके टीचर्स कुछ होंगे जब आपकी अच्छी रैंक आएगी, तो आप उनसे हमेशा कनेक्टेड रहिए, उनसे टच में रहिए, और जब भी आपको कुछ भी टेंशन हो तो आप हमेशा अपने टीचर्स से, अपने पेरेंट्स से बात करिए और अपने जेई मेंस की प्रिपरेशन पर आगे बढ़ते रहिए। आई वुड लाइक टू थैंक माय पेरेंट्स एंड ऑल द फैकल्टीज एट आकाश बायजूस, बिकॉज ऑफ देम ओनली आई हैव गॉट द सक्सेस इन जेई, एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द एस्पिरेंट्स।